मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से ये लगा कि ये तंजीम सिर्फ मुसलमानों के लिए है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम देके हमने ये साबित किया कि ये सिर्फ एक मजहब के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। बड़े भाई और छोटे भाई के रिश्ते में सजाद ने पासपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ कितने सारे ऐसे नौजवान हैं जिनकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही और एक तरफ से तो खुशी महसूस होती है कि हमारे साथियों में वर्करों में इतना जोश है और जमात के लिए मोहब्बत है, लेकिन इसके साथ साथ इस बात का भी एहसास होता है कि हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जब लोग इतने प्यार और मोहब्बत से बाहर आते हैं और इनकी परेशानियां इतनी है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी परेशान हमारी मजबूरी हमारी जिम्मेदारियां जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं अपने काम के जरिए जो है इस प्यार और इस मोहब्बत का जो है मैं जवाब दूँ। श्रीनगर आपके लिए केक वॉक माना जाता था, लेकिन तो भी आपने चैलेंज दिया है और यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर से उठे हैं, क्या आपको ये नहीं लग रहा कि गैम्बल है यहाँ पे उठना, क्योंकि इसमें पार्टी की तमाम एक्सपेक्टेशंस साथ रहेंगी इसके रिजल्ट्स के साथ? कोई इलेक्शन आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो। श्रीनगर में भी मुकाबला होता, यहाँ पे भी मुकाबला है और जो ताकत यहाँ लगी हुई है वो ताकतें श्रीनगर में भी काम कर रही है। श्रीनगर भी मेरा मुकाबला बीजेपी, आरएसएस, नागपुर आईबी, इन एजेंसियों के खिलाफ जो है मेरी लड़ाई वहाँ पे होती, यहाँ पे भी है, कोई खास फर्क नहीं होता। अब सिर्फ फर्क इतना होता कि वहाँ चेहरा अलग है और यहाँ चेहरा अलग है, लेकिन एजेंसियां वही है। क्या आपको लगता है कि आपके यहाँ पे इलेक्शन लड़ने से पार्टी लार्ज स्केल पे रिवाइव होगी और लोगों में खुसूसन यूथ जो है उनमें एक नया सा एंथुजियाज्म बढ़ गया? मैं नौजवानों में एक नई हमें एक जोश देखने को मिल रहा है। बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस खासकर के खिलाफ ये इल्जाम लगता था कि हमारा जो कार्यर है वो बुजुर्ग है और नौजवान जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ नहीं देखते या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पसंद नहीं करते, लेकिन इस इलेक्शन में साबित हुआ है कि बुजुर्ग भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की वो भी उनकी उम्मीदें भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई। पीडीपी का ये गिला है कि महबूबा मुफ्ती को छोड़ दिया गया और उमर साहब ने ही पीएजीडी को तोड़ दिया है। पीएजीडी टूटा नहीं है और अगर किसी ने पीएजीडी को छोड़ा है उन्होंने छोड़ा है। पीएजीडी हमारे लिए कम अज कम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए पीएजीडी का मकसद सीट का नहीं था, हम एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे और आज भी हम उस जगह कायम है और वो लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों को पीएजीडी सिर्फ सीट का अपना फायदा हासिल करने के लिए उन्होंने पीएजीडी का साथ दिया तो ये फिर उनकी खुद गर्जी है। हम आज भी उस मकसद को हासिल करने के लिए और उस मंजिल तक पहुंचने की जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती जी अलग हो गए, ये सवाल जो है इसका जवाब उनको देना होगा। प्राइम मिनिस्टर ने कल ही एक बयान दिया है, रैली से खराब बल्कि किया है, उन्होंने लोगों का क्या अगर इंडिया एयरलाइंस आती है तो 378 वापस लेके जाएंगे, बाबरी मस्जिद का जो मामला है फिर से आ जाएगा, क्या रिएक्शन है आप? कहीं ना कहीं तो बीजेपी में अब बौखलाहट नजर आ रही है। हैरानगी की बात यह है कि चलिए कल तो उन्होंने कहा कि राम मंदिर पे बाबरी की ताली का ताला लगेगा, है ना, हम कौन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे ताला लगाने वाले? बाबरी मस्जिद या वहां पे राम मंदिर का बनना, इस पे सुप्रीम कोर्ट का मोहर है, ठीक है ना, जो है सो है। आप मुझे एक मुसलमान दिखाइए जिसने कहीं ये कहा हो कि अगर हुकूमत बदली तो हम यहाँ पे ताला लगा देंगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं ना कि आप बार बार मुसलमानों को निशाना बनाओ। आप देखें हर तकरीर में कहीं ना कहीं मुसलमान निशाना बनाया जाता है, ये कहा जाता है कि कांग्रेस की अगर हुकूमत आई तो मुसलमान जो है वो हिंदुओं के जेवर छीनेंगे, अगर कांग्रेस की हुकूमत आई मुसलमान हिंदुओं की जमीनें ले लेंगे, है ना। आखिरकार हमारी 14% आबादी है, 14% आबादी 80% आबादी को क्या खतरा करेगी? अपनी पार्टी कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सप्लॉइटर्स की पार्टी है, पीडीपी का भी उन्होंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस का जाए कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस बना दिया, उसमें कहीं पे पॉलिटिक्स पीछे सी, फिर ऑटोनॉमी, फिर सेल्फ रूल, फिर ऐसे, क्या कहेंगे आप? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस तब्दील करना ये
क्या गलत बात थी? हमने जो है सबके लिए ये तंजीम बनाई, उस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से ये लगा कि ये तंजीम सिर्फ मुसलमानों के लिए है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम देके हमने ये साबित किया कि ये सिर्फ एक मजहब के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। और विरासत में हमें शेर कश्मीर का वो नारा मिला हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का। और जहाँ तक हमारे मतलब हमारे जो जज्बात है या हमारा जो एजेंडा है, हम उस पर कायम है। सजाद नूर को आज आपने कहा कि वो मिलिटेंट था, उन्होंने बंदूक उठाई थी, उनको तो पासपोर्ट दिया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनके दूर शायद डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं, उन्हें नहीं दिया गया। ये हकीकत है। मैं असेंबली में मौजूद था जब उन्होंने जोरदार तकरीर की, और मैं उम्मीद कर रहा था कि वो यहाँ के लोगों के लिए कुछ तकरीर करेंगे, यहाँ के लोगों के लिए कुछ हासिल करेंगे। लेकिन जब तकरीर की तो मोदी वजीर आजम मोदी का शुक्रिया किया कि उनको पासपोर्ट मिला। चलिए ना, बड़े भाई और छोटे भाई के रिश्ते में सजाद ने पासपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ कितने सारे ऐसे नौजवान हैं जिनकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही, और उनकी सिर्फ यही गलती है कि कहीं ना कहीं दूर दराज उनका कोई रिश्तेदार जो है वो मिलिटेंट बना हुआ था। ये कहाँ का इंसाफ है? किसी का वालिद अगर मिलिटेंट तो बेटे का क्या कसूर? किसी का दादा या नाना अगर मिलिटेंट तो पोते का क्या कसूर? किसी का अंकल अगर मिलिटेंट तो रिश्तेदार का क्या कसूर? लेकिन यहाँ पे ये बहाना बना के इन सब नौजवानों को जो है ना सरकारी नौकरी मिल रही है, ना पासपोर्ट मिल रहा। मीर फयाज का आपने कहा कि कपड़े फाड़ने से कुछ नहीं होता, जब बात करनी थी नहीं की, लेकिन जस्टिस मसूदी साहब भी तो उधर ही थे, उन्होंने कोई बात नहीं की। बात था पार्लियामेंट में, बात की, सुप्रीम कोर्ट में गए, फयाज साहब चले, फयाज साहब ने कपड़े फाड़े, उसके बाद अदालत में जाते, सुप्रीम कोर्ट में जाते, कुछ तो करते। हमारे एमपी वहां पे थे, उन्होंने 370 के एब्रोगेशन के खिलाफ पार्लियामेंट में रिकॉर्ड पे अपनी बात लाई। सर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट लेके जाना 370 को एक कॉन्स्पिरेसी थी, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी, तो फिर सजाद लोन के साथ गले क्यों लगे? सजाद लोन साहब भी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट गए थे क्योंकि वो पीएचईडी के हिस्से में थे। अगर ये कॉन्स्पिरेसी है तो आज ही अल्ताफ बुखारी जो है पीडीपी के पीसी के साथ अपना रिश्ता तोड़े, क्योंकि ये कहने की बात है ना। अल्ताफ बुखारी साहब भूल जाते हैं कि जिनको आज वो यहाँ जितवाने की कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वो भी गए थे। मेरी प्रायोरिटी मुकम्मल जब तक मैं पार्लियामेंट में होऊंगा यही होगी कि मैं यहाँ के लोगों के जज्बातों की तर्जमानी करूँ, अपने वोटरों की और जम्मू कश्मीर के लोगों की। बीजेपी ने तो दो दो उम्मीदवार को सपोर्ट करने का ऐलान किया, एक तरफ से तो पहाड़ी फोरम ने अपनी पार्टी को, लेकिन वहाँ पे बीजेपी के जो सीनियर लीडर है मुश्ताक बुखारी, उन्होंने तो महबूबा मुफ्ती को सपोर्ट किया। जो पेंडर के आपके साबका एमएलसी है उन्होंने महबूबा मुफ्ती को सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बीजेपी जो है वो दोनों एक डबल रोल कर रहे हैं, एक डबल रोल। आखिर लास्ट सवाल में सर, सजाद नूर कह रहे हैं कि आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं, मैंने खुद पढ़ा उनका बयान, मैंने खुद देखा, मैंने या तो फिर जिस अखबार में मैंने पढ़ा वो अखबार झूठ बोल रहा था, लेकिन मैंने पढ़ा था। थैंक यू वेरी मच सर।